दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के इस काले बटन को दबाकर नीला जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में इस बगल वाले घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल से किसी भी राज्य के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या किसी भी जगह का वोटिंग परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप घर बैठे ही भारत में किसी भी स्थान का वोटिंग परसेंटेज यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन कैसे काम करता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको जाना है अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में। तो फ्रेंड, प्ले स्टोर में ओपन करते ही दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ गूगल प्ले पर टैप कर देना है, और यहाँ पर आपको लिखना है वोटर टर्न आउट, वोटर टर्न आउट, जैसे ही आप लिखेंगे फ्रेंड और इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन इस तरह का आएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर लेना है। आपको उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ओपन का ये निशान आ रहा है, तो हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह का इसमें इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न राज्यों के, अनेक राज्यों के यहाँ पर दिखा रहा है। बिहार का 59%, हरियाणा का 68%, मध्य प्रदेश का 64%। तो दोस्तों, आपको जिस भी जगह का देखना है, जिस भी आप जहाँ रहते हैं, जिस आपका जो पोलिंग बूथ है, यानी आप जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र का आपको अगर देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, आपको यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट स्टेट। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मध्य प्रदेश है मेरा स्टेट, तो मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पीसी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जिस भी चुनाव क्षेत्र में रहते हैं, तो मैं राजगढ़ क्षेत्र में रहता हूँ, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ क्षेत्र को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर एसी में सेलेक्ट करना है, यानी राजगढ़ में आप किस जगह का रहते हैं। राजगढ़ में दोस्तों, राजगढ़ में ब्यावरा, चाचौड़ा, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, राहुगढ़, राजगढ़, श्रीनगर, सारंगपुर सॉरी। तो यहाँ पर आप इतने सारे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राघोगढ़ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो राघोगढ़ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक सबसे नीचे लिखा हुआ है सबमिट। जैसे आप इस पर सबमिट लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राघोगढ़ का, मेरे पर्सनल बूथ का, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर राघोगढ़ का, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पर लिखा हुआ है 70.82%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको जिस भी जगह का देखना है वो इस तरह से आप देख लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।